लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटर से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन एनी आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई है। आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा था। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एक एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी, अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है, सबका काम है कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब है। की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना, जब इसकी बात की वो करेंगे, शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी है, वो सारी हम उनका करेंगे। बुड्ढे साहब एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों के यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, ना जात पे ना हाथ पे मौ लगेगी हाथ पे। हुड्डा साहब अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे, कई सीटों पर मार्जिन को लेकर वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहां पर नई ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, बता चुके इनको लेकर किस तरीके बता चुका मैंने, वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है।